हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम अकेडमी के इस इन्फॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, जहां आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन निकल कर आता है तो उसका इन्फॉर्मेशन हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। हम आज इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि SNDT वुमेंस यूनिवर्सिटी, जिसे सर विठल दास ठाकरे विद्या विहार के नाम से भी जाना जाता है, ये जुहू रोड मुंबई में इस्टेब्लिश्ड है। यहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जुलाई 25, 2024 पर आप जाकर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 2024 का होने वाला है उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज़ किया हुआ है। हम आज इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट में रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 400 से ज़्यादा पोस्ट पर पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन निकल कर आया हुआ है। लगभग सभी सब्जेक्ट से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आप लोगों को समय पर मिलता रहे। यहाँ पर जो फैकल्टीज़ हैं, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो फैकल्टी है उसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री के पोस्ट पर यहाँ रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं जो नंबर ऑफ वैकेंसी या उसका जो सीट है यहाँ आप देख सकते हैं, ओपन कैटेगरीज़ में और रिजर्व कैटेगरीज़ में दोनों यहाँ पर मेंशन है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर कोई भी रिक्रूटमेंट निकल कर नहीं आया हुआ है। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तीन तीन सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं ओपन और रिजर्व कैटेगरीज़ में। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में टोटल 5 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। इंटेंशन एंड कम्युनिकेशन में टोटल 8 सीटों पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। रिसोर्स मैनेजमेंट में यहाँ पर टोटल 2 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में यहाँ पर टोटल 4 सीटें हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट में यहाँ पर टोटल 10 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। नर्सिंग से PhD करने के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा गया है। वहीं फार्मेसी में तकरीबन 20 सीटें निकल कर आई हुई है पीएचडी एडमिशन के लिए। टेक्सटाइल साइंस में यहां पर टोटल 8 सीटों पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। वहीं कॉमर्स में अब 20 सीटें चर्च गेट से निकल कर आए हुए हैं, और वहीं पर 4 सीटें ऐसे हैं जो कि जुहू से निकल कर आए हुए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट से। वहीं एजुकेशनल डिपार्टमेंट में सीटें नहीं निकल कर आई हुई है। और मार्केटिंग मैनेजमेंट में यहाँ पर टोटल 8 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। फिटनेस में पीएचडी के लिए 5 सीटें हैं। इंग्लिश में पीएचडी के लिए तकरीबन 49 सीटों पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। हिंदी सब्जेक्ट में टोटल 16 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी पुणे के लिए यहाँ पर 17 सीटें हैं। गुजराती लैंग्वेज में यहाँ पर 6 पोस्ट रखे गए हैं। मराठी में यहाँ पर चर्च गेट से 26 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। वहीं पुणे से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 6 सीटें हैं। संस्कृत में यहाँ पर चर्च गेट से 4 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं पीएचडी के लिए। और इकोनॉमिक्स में यहाँ पर पुणे से 7 सीट हैं, और चर्च गेट से यहाँ पर कुल टोटल 44 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। वहीं अगर आप हिस्ट्री से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो हिस्ट्री के लिए यहाँ पर 40 सीटें रखी गई हैं पीएचडी के लिए। वहीं अगर आप जियोग्राफी से पीएचडी में एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर 20 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर 7 सीटों पर पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं साइकोलॉजी में यहाँ पर 4 सीटें चर्च गेट से निकल कर आई हुई हैं, 2 सीटें पुणे से। सोशियोलॉजी से पीएचडी करने के लिए यहाँ पर तकरीबन 48 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। सोशल साइंस में यहाँ पर 1 पोस्ट है। वहीं नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट में यहाँ पर 6 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। साथ ही साथ विजुअल आर्ट में 2 पोस्ट हैं पीएचडी के लिए, और विजुअल आर्ट में ही जो चर्च गेट से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर 4 सीटें रखी गई हैं। एजुकेशन में यहाँ पर चर्च गेट से टोटल 21 सीटें हैं, और पुणे से यहाँ पर 7 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में 12 सीटों पर पीएचडी के लिए एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। वहीं म्यूजिक डिपार्टमेंट से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो चर्च गेट से 4 सीटें हैं, पुणे से 2 सीटें हैं। स्पेशल एजुकेशन में यहाँ पर जुहू से 4 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है, और वुमेन स्टडीज़ में यहाँ पर 4 सीटें हैं। साथ ही साथ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में यहाँ पर 12 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। वहीं जो टोटल ऑफ सीट्स हैं
477 सीटों पर यहाँ पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं, जिसमें 116 सीट ओपन कैटेगरीज में हैं और रिजर्व कैटेगरीज़ में यहाँ पर 361 सीटों पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। यहाँ पर जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स पास आउट किया हुआ है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने नेट जेआरएफ या सीएसआईआर, आईसीएआर या आईसीएमआर या यूजीसी से नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है तो वो भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मास्टर्स क्वालिफाई हैं उनको रिटेन एग्ज़ाम देना होगा इंट्रेंस टेस्ट का, वहीं जिन लोगों ने यूजीसी नेट या फिर सेट महाराष्ट्र का या फिर गेट या फिर जेआरएफ, जीपीएटी या सीएसआईआर, आईसीएआर, आईसीएमआर, यूजीसी, डीईटी, डीईई या फिर एआईसीटीई या सिमिलर नेशनल लेवल का कोई टेस्ट यहां पर पास आउट किया हुआ है उन्हें एग्जेम्प्टेड कर दिया जाएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम में, उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम यहां पर नहीं लिया जाएगा। बाकी जो भी कैंडिडेट रहेंगे, जो मास्टर्स के कैंडिडेट हैं, उनको यहां पर एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपियरिंग में जो कैंडिडेट हैं उन्हें यहाँ पर 500 रुपये जनरल कैटेगरीज़ में देना होगा, 300 रुपये रिजर्व कैटेगरीज़ में, और जो एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर जनरल कैटेगरीज़ में 500 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस देना है, और जो रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं उनको यहाँ पर 350 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस पे करना होगा। वहीं अगर हम बात करें इस फॉर्म को अप्लाई करने का जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, तो उसमें आप फॉर्म फिलिंग कर पाएंगे 5 अगस्त के बाद से यहाँ फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है, तो अभी इनका ऑफिशियल पोर्टल ओपन है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पर 23 अगस्त 2024 का डेट रखा गया है। वहीं एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट भी यहाँ पर मेंशन है, 15 सितंबर को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा, और इसका जो रिज़ल्ट पब्लिकेशन है वो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर 18 सितंबर 2024 को अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।